कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए गुरुवार को महेवा मंडी में फुटकर सब्जी विक्रेताओं को प्रतिबंधित कर दिया गया। अब मंडी में फुटकर सब्जी की दुकान नहीं लगेगी, सिर्फ थोक सब्जी विक्रेता ही सब्जी बेच सकेंगे। जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा कि शासन के निर्देश पर फुटकर सब्जी विक्रेताओं को प्रतिबंधित किया गया है। फुटकर विक्रेताओं की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था, अब उस जगह को रस्सी से घेर दिया गया है ताकि उस जगह पर फिर से कोई सब्जी ना बेच सके। अगर इसके बावजूद कोई फुटकर सब्जी बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। मंडी में सिर्फ थोक व्यापारियों के लिए है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडी परिषद के सचिव सेवाराम वर्मा और सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए मंडी स्थल में फुटकर व्यापार पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है और फुटकर व्यापारी होलसेल से माल परचेज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई विक्रय नहीं कर सकते। जो भी किसान मंडी में आते हैं वो सीधे होलसेल व्यापारियों को अपना माल बेच दें और वो परचेज कर रहे हैं। इससे मंडी में भीड़ आज कम रहा, मंडी में आज सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहा। ये आपदा की घड़ी है, इसमें वो प्रशासन को सहयोग करें। काफ़ी लोगों को पास भी दिया गया है क्षेत्र में डोर टू डोर डिलीवरी के लिए। देखिए, फुटकर व्यापारी किसी भी प्रकार से मंडी में व्यापार नहीं कर सकते हैं, मंडी में सिर्फ थोक व्यापारी व्यापार करेंगे और यहाँ से फुटकर व्यापारी सामान लेके ठेलों के माध्यम से घर घर जाकर उसको बेचेंगे। अगर कोई फुटकर व्यापारी यहाँ मंडी व्यापार करता पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।